Hello everyone, good morning to all. Yes class, in today class we discuss chapter number 10, motion and measurement of distance, question answer. Okay, first one is question number 1. Give two example each mode of transport used on land, water and air. Land transport, bus, truck, train. Water transport, ship and boat. And air transport, helicopter and aeroplane. Now move to second question. Second question is fill in the blanks. First one is 1 meter is 100 centimeter. 1 meter में कितने include होते हैं 100 centimeter. Same 5 kilometer include a 5000. तो 1 kilometer have a 1000 meter. So 5 kilometer have a 5000 meter. Okay. Motion of a child on a swing is पीरियडिक मोशन. जो मोशन होता है चाइल्ड का वो कैसा होता है? पीरियडिक मोशन होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ अ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन. जो स्विंग मशीन की जो निडल है उसमें कौन से टाइप का मोशन, जिस टाइप ऑफ मोशन इज देयर? पीरियडिक मोशन इज देयर. ओके, नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसाइकल. बाइसाइकल का जो व्हील है विच टाइप ऑफ मोशन, कौन से टाइप का मोशन रिप्रेजेंट करता है? सर्कुलर मोशन. ओके, नाउ मूव टू अ क्वेश्चन नंबर 3. Why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? Okay, because a pace or a footstep of each and every person is not equal. कल मैंने आपको बार बार यही रिपीट किया कि जो फुट स्टेप है वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, तो दैट्स व्हाई वी डोंट यूज अ पेस और फुट स्टेप फॉर अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. ओके, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. 1 meter, 1 centimeter, 1 kilometer एंड 1 millimeter. द स्मॉलेस्ट वन इज 1 millimeter एंड देन आफ्टर 1 centimeter, देन 1 meter एंड लास्ट वन इज 1 kilometer. ओके, द हाइट ऑफ अ पर्सन, एक ओल्ड पर्सन है जिनकी हाइट 1.65 meter है. एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. ओके, इन प्रीवियस क्लास वी ऑल्सो अंडरस्टैंड 1 meter हैव अ 100 centimeter. 1 meter हैव अ 100 centimeter. तो जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा तो हमें इंटू करनी किसकी? 100 की. ओके, तो देन हमने इंटू किया तो 1.65 इंटू 100, तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा? Yes, 1.65 इंटू में क्या है? 100. देखो आपने डेसिमल में मैथ्स में रीड किया होगा, जब हम पॉइंट को यहां से रिमूव करते हैं तो पॉइंट की जगह 1 और उसके आगे जितने भी नंबर्स है उतने 0 यहाँ पर पॉइंट आ जाते हैं, अपॉइंट हो जाते हैं ना. तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल. आंसर कितना आ जाएगा? 165 सेंटीमीटर. अब 165 सेंटीमीटर होगा तो उसको हमें मिलीमीटर में चेंज करना है, तो देन वी इनटू अ 10 मिलीमीटर. उसके अंदर हम क्या कर देंगे? 10 मिलीमीटर. तो 165 इंटू 10 इज इक्वल टू 1650 मिलीमीटर. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. Next one is this is the distance between Radha home and her school is 3250 meter. Express this distance in kilometer. Okay, जब देखो हमें highest unit को smallest unit में change करना होता है, then we multiply. And जब smallest unit को largest unit में change करते हैं तो then we divide it. Okay, तो 1 kilometer is equal to 1000 meter. जब हम 3250 को kilometer में change करेंगे तो that's why we divided here. 3250 में हमने divide करेंगे तो 3.250 kilometer. Thus the distance between Radhaho and her school is 3.250 kilometer. Okay. Next question number 7. While measuring the length of knitting needle, the reading of the scale at the end 3.0, at the other end 33 centimeter. What is the length of the needle? अब ये वो ही मैंने आपको कल एक मेथड बताया था, अगर हमारे स्केल आगे से ब्रेक डाउन है तो हाउ वी मेजर द लेंथ, हम कैसे मेजर करेंगे लेंथ को. तो सपोज हम उस टूटे हुए स्केल से मेजर करते हैं लेंथ को तो कितनी रीडिंग आती है बेटा? 33.1 रीडिंग आती है. बट हमारे स्केल कहाँ से टूटा हुआ है? 3 सेंटीमीटर आगे से ब्रेक डाउन हुआ हुआ है. तो हम क्या करेंगे? उसमें से 3 माइनस करेंगे, देन वी गेट द आंसर 30.1 centimeter. Okay. Now we move to our next one. Write the similarity and differences between the motion of a bicycle and the ceiling fan that
has been switched on. Similarity between both of you, both wheel of the bicycle and ceiling fan exhibit motion of a fixed axis. दोनों अपनी एक्सिस के ऊपर फिक्स एक्सिस पर मूव करते हैं. ओके, डिसिमिलैरिटी इज bicycle move forward thus execute rectilinear motion but fan does not show such motion. Fan कभी motion show नहीं करता है ना, but जो cycle है वो आगे rectilinear motion show करती है. Okay, now question number 9. Why could you not use an elastic measuring tape to measure a distance? What would some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured an elastic tape? Elastic tape कौन सी होती है? जैसे वो बैंडेज टाइप की आती है ना, उस टाइप की टेप. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अपन फोर्स अप्लाई करके तो स्ट्रेच हो जाती है, उन्हें बोलते हैं हम इलास्टिक टेप. एंड इलास्टिक टेप मेजर द इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. रीजन फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ इलास्टिक टेप वेरी एंड डिपेंड अपॉन द फोर्स विच इज अ स्ट्रेच. क्योंकि हम इलास्टिक टेप से अगर किसी भी चीज को मेजर करेंगे तो वो वेरी करेगा. क्यों? क्योंकि कितना फोर्स कौन सा पर्सन लगा रहा है वो वेरी करेगा, क्योंकि जितना फोर्स लगाएंगे वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा. ओके, नाउ सेकेंड वन इज measurement would vary between 2 or 3 reading even when measured by the same person by the same elastic tape. A measurement अगर हम 2 या 3 reading same person को ही कहते, person भी change नहीं करते, same ही person को अगर elastic tape देते हैं और फिर कहेंगे please note down the reading, तो हर time force same थोड़ी लगेगा. ठीक है, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी में भी कम हो. ठीक है, तो इसीलिए इलास्टिक टेप से हम मेजर नहीं करते क्योंकि हमारी जो रीडिंग्स है वो वेरी करती है. मेजरमेंट वुड आल्सो वेरी इफ डिफरेंट पर्सन मेजर द सेम डिस्टेंस. डिफरेंट पर्सन भी अगर उसे मेजर करेंगे तब भी सेम डिस्टेंस नहीं आएगी, वेरी करेगा. और सेम पर्सन अगर मेजरमेंट को मेजरमेंट करता है किसी भी चीज का तो उसमें भी वेरी करेगा. ओके, नेक्स्ट वन इज गिव टू एग्जांपल ऑफ पीरियडिक मोशन. यू राइट हियर एनी टू एग्जांपल ऑफ पीरियडिक मोशन. ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, मूविंग ऑफ स्विंग, मूविंग ऑफ अर्थ अराउंड द सन, एनीवन. ओके, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन. वी स्टेट टू प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व बाय मेजरिंग अ लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल. टू प्रिकॉशन आर the initial point of distance one conquered with the zero reading of a meter is a scale. Precautions क्या रखनी है? जब भी आप length को measure करें तो आपका जो scale है उसपे कितनी reading आनी चाहिए? Zero reading आनी चाहिए. Okay? Second one is the eye should be kept in line with the point of measurement. जो आपकी जो measurement है उसपे आप एकदम सीधा एकदम line वाले straight direction में आपको देखना है. जिसे मैंने बताया था कल आपको, जैसे हम यहां से मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमें इसको एकदम स्ट्रेट लाइन में देखना है, ना कि ऐसे और ऐसे. ओके, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन जिसपे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी. द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम. जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रेस्ट रेस्ट इन पोजीशन. द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन विद टाइम आर सेड टू बी इन मोशन. ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कि भाई वो ऑब्जेक्ट जो है किसमें है, मोशन में है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट टू मेक आर जजमेंट मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट. क्योंकि हम जो भी चीज को मेजरमेंट करते हैं वो ज्यादा रिलायबल होती है स्टैंडर्ड यूनिट में और एक्यूरेट होती है. फॉर प्रॉपर डीलिंग मेजरमेंट शुड बी सेम फॉर एवरीबॉडी, दिस देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट. कोई भी पर्सन उसको मेजर करे तो सेम चीज आएगी, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी. फॉर द शेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी वी नीड अ कॉमन सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विच आर कॉल्ड स्टैंडर्ड. इसीलिए हम कॉमन सेट यूज करते हैं, जैसे हम मीटर यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, किलोमीटर यूज कर रहे हैं. ओके, नाउ इट इज ऐसा units are used in science and technology almost universally. अब ऐसा units को science में या दूसरी technological department सब इनको use करने लग गए. ठीक है, next one is give two example for each of the following motion. ये हर motion के two example आपको बताने हैं. First linear motion, rolling a ball on ground and moving a bicycle on road. Next one is periodic motion, pendulum of clock, motion of a swing and heartbeat. Next one is vibrational motion. String of guitar, surface of drum are the example of vibrational motion. Next is circular motion.
रोटेशन ऑफ फैन, बाइसिकल व्हील जो मोशन रिप्रेजेंट करती है, इट इज अ सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट वन इज रैंडम मोशन, मोशन ऑफ फुटबॉल प्लेयर, मूवमेंट ऑफ मॉस्किटोस. रैंडम मोशन क्या होता है, रैंडमली इधर उधर लेफ्ट राइट कहीं पर भी मूव हो जाता है. जैसे फुटबॉल प्लेयर है उसको पता होता है कि अभी मुझे लेफ्ट में टर्न होना है कि राइट में टर्न होना है, वो कहीं भी रैंडमली मूव करते हैं. जैसे मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, ये जैसी मूवमेंट शो करते हैं, कैसी मूवमेंट शो होती है, रैंडम मूवमेंट शो होती है, ना रेक्टिलिनियर, ना सर्कुलर, ना पिरामिड, कभी भी किधर भी मुड़ जाते हैं, है ना. तो इस टाइप का जो मोशन होता है वो होगा आपके रैंडम मोशन. ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. यस, इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, प्लीज रेज योर हैंड.